कि अपना इंट्रोडक्शन देके इस पर ट्रांसफर कर। मेरा नाम आशु पीटर भट्टू, मैं ऑल जैन की क्रिश्चियन सभा का प्रेसिडेंट हूँ। और सबसे सर्वप्रथम स्टार्ट करने से पहले मैं पूरे कश्मीर की वाम को और मेरे हमारे मुस्लिम भाई जितने हैं उनको आने वाली ईद की मुबारकबाद देते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से, और हमारी यात्रा जो फर्स्ट से शुरू होने जा रही है उसके लिए भी शुभकामनाएं देते हैं सारे हिंदू भाइयों को और जितने भी यात्री आ रहे हैं। तो आते चलिए आज के मुद्दे पे आते हैं। आज का जो इशू रिलेटेड है, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं उनको जागरूक करने आए हैं। हम क्रिश्चियन सभा ने यहाँ पे एक लोकल कम्युनिटी की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके साथ एक मीटिंग किया पिछले दिनों, एक दिन पहले। तो उनका हमने जितना भी इश्यूज है वो सुना और उनके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हम आए हैं। और उनके इश्यूज काफी पेचीदा है और काफी सालों से वो पिछले 100 साल से यहाँ पे वाबस्ता है, रहते हैं और एग्जिस्टेंस है उनका, और उनको कहीं भी कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो उनके इश्यूज ये थे कि वो बिल्कुल भी मैक्सिमम मोस्टली जो लोग हैं होमलेस हैं यहाँ पे, उनके पास अपने जगह नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है और वो किराए के घरों पे रहते हैं। उस चीज को हमने कल डीसी साहब के साथ जाके उठाया है, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है और डीसी साहब ने बोला कि हम आवास योजना में हम उनको कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। और सेकेंडली ये था कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है जम्मू कश्मीर में तो गवर्नमेंट एम्प्लॉज और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पे बिल्कुल भी नहीं है। और सेकेंडली कोई भी हमें जो हेल्थ स्कीम है या गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई भी स्कीम है वो हमारी कम्युनिटी तक नहीं पहुंच रही। उसका कारण क्या है, उसका कारण गवर्नमेंट क्यों नहीं पहुंचा रही, तो वो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहेंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर की इंटीग्रल पार्ट है और काफी सालों से पिछले 100 सालों से रह रही है, और हम लोग अलग अलग तरीके से अपनी सेवा भी दे रहे हैं। हम एजुकेशन सेक्टर में दे रहे हैं सेवा, हमारी हेल्थ सेक्शन में हम सेवा दे रहे हैं, फिर भी हमारी कम्युनिटी को बड़े स्तर पे इग्नोर किया जा रहा है, ना ही हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन है। हम मेयर साहब से मिले थे, मेयर साहब को हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। हम चाहते हैं कि काउंसलर्स का इलेक्शन आने वाले हैं उसमें एक नॉमिनेटेड काउंसलर लिया जाए, चूंकि एक्ट 2000 में एक प्रावधान है, एक क्लॉज है 10, उसमें लिखा हुआ है कि जो अनरिप्रेजेंटेड कम्युनिटी है जो अपना काउंसलर नहीं खड़ा कर सकते उनको हम नॉमिनेट कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें एक सिलेक्टेड नॉमिनेटेड कैंडिडेट दिया जाए कि हमारी रिप्रेजेंटेशन हो और रिप्रेजेंटेशन के साथ हमारी कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो सके और छोटे छोटे जो जो भी मुद्दे हैं वो काउंसलर उसके पूरा कर सके। साथ ही साथ हमने एक और आवास योजना के लिए डीसी बारामूला से भी बोला था और डीसी बारामूला ने उसको कंसीडर किया, बट उसके बाद उन्होंने उस केस को इतना खींच लिया कि अभी तक उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो हम डीसी बारामूला को भी आपके माध्यम से अपील करते हैं कि उस केस को जल्द से जल्द आप पूरा करें और हमारे वहां के जो लोग हैं उनको आवास योजना में कंसीडर किया जाए। और मैं और एक और चीज बोलना चाहूंगी, नॉमिनेटेड जो मेंबर है, नॉमिनेटेड हमारी एक सीट अभी एमएलए के हो सकता है इलेक्शन बोल रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोगों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी स्कैटर्ड है, अलग अलग जगह पे रहती है, कंबाइंड नहीं रहती, इसलिए एक नॉमिनेटेड मेंबर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से चुना जाए और उसको एक मे बी एमएलए और एमएलसी नॉमिनेटेड होते हैं उसमें हमारी कम्युनिटी को कंसिडर किया जाए कि हमारी आवाज भी गवर्नमेंट में बने। साथ